देखिए, जिस तरह की रिपोर्ट एक नहीं अनेक आई, अब मॉर्गन स्टेनले की भी रिपोर्ट आई है और उसमें दिखता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और उसके पीछे मोदी सरकार के उठाए गए कदम, 7.2% की दर से अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो अपने आप में जो मोदी सरकार के कदम उठाए गए हैं, जो हमारे युवाओं ने, व्यापारियों ने, उद्यमियों ने अपना योगदान दिया है उसके कारण भी हुआ है। और जीएसटी कलेक्शन भी एक के बाद दूसरे महीने में लगातार बढ़ रही है। कोविड के समय से पहले तो 1,00,000 करोड़ कभी टच नहीं किया, अब 1,83,000 करोड़ तक पहुंचना अपने आप में बड़ी बात है। ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है, ये नए भारत के बढ़ते कदम हैं, ये नए भारत के सशक्त नेतृत्व के कारण दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बड़ा ही, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम बनकर उभरे हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी। लेकिन यहां रुकना नहीं, यहां से बहुत आगे जाना है। इन 9 वर्षों में जो कदम उठाए गए वो फाउंडेशन रखने के थे, आधार बनाने के थे। हमें विकसित भारत बनने की ओर आगे जाना है और उस दिशा के लिए हर भारतीय का बड़ा योगदान चाहिए, स्थिरता और निरंतरता भी चाहिए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 9 वर्षों में स्थिर सरकार देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की दी, निर्णायक सरकार बनी, बड़े और कड़े निर्णय भी लिए जो राष्ट्र हित में थे और राष्ट्र का लगातार बढ़ते कदम आज दुनिया में दिखते हैं। जब मोदी जी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में दुनिया के नेता, कोई कहता है मोदी इज द बॉस, कोई कहता है सबसे लोकप्रिय नेता है, कोई कहते हैं पैट्रियॉट है, कोई कहते हैं होप दिखती है, तो भारत में, भारतीयों में और भारत के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया उम्मीद, होप भारत में देख रही है। इसके लिए निरंतरता और स्थिरता आवश्यक है और मुझे खुशी है कि भारत के लोग सदा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को देते हैं और 9 वर्ष के पूर्ण होने पर हम जनता का आभार प्रकट करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो 9 सालों में दिया है वो आगे भी जारी रहेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर श्रीमान राहुल गांधी जी, भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनकी संसद की सदस्यता भी चली गई, वो पहले सदन चलने का बहाना ना चले, यानी कि संसद सदन ना चले, ना उसमें शामिल होना, उसके बहाने ढूंढते थे, अब नए संसद भवन का बहिष्कार करते हैं और विदेश में जाकर राष्ट्र को अपमानित करने का कोई कदम, मौका नहीं छोड़ते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राहुल जी, जब चाइना अतिक्रमण करने का कोई प्रयास कर रहा था, हमारी सेना ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया, नहीं करने दिया, लेकिन उस समय श्रीमान राहुल गांधी चाइना के अधिकारियों के साथ गुप्त वार्ता कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, खान पान चल रहा था और उनके राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या चीन का पैसा लगा है, क्या उनकी संस्थाओं ने पैसा दिया है, इस पर वो जवाब देते हैं। ये इनके ऐसे प्रायोजित कार्यक्रम हैं जो अभी भी अमेरिका गए हैं, इसकी फंडिंग पर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसमें जो शामिल होने गए हैं वो भी भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, भारत के झंडे का अपमान कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं और श्रीमान राहुल गांधी जी पूरे भारत और भारतीयों और भारतीयता का दुनिया के दूसरे देश में जाके अपमान कर रहे, विदेशी धरती पर अपमान कर रहे हैं। चलिए साहब, धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।